और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर जनता दरबार लगाया है। सीएम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अपनी परेशानियों को लेकर कई लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और सुबह से ही लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस रोड के जरिए जो लोग तमाम हैं वो जनता दरबार जाते हैं, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी प्रकार की भी कोई भी वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है। केवल वैसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका आज नंबर आया है, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त है। गर्मी भी काफ़ी अधिक है राजधानी पटना में, लेकिन बाहर भी दिखाएंगे आपको कि काफ़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कई लोग ऐसे हैं जो करवा चुके हैं, इसके बावजूद उनका नंबर नहीं आता। लेकिन कई ऐसे भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई जानकारी उन्हें नहीं है कि क्या कुछ मामला है, किस तरीके से क्या कुछ करेंगे। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मामला है आपका? मेरे पिताजी का 15 महीना पहले अपहरण हुआ है और आज तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर आवेदन दिए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई किया ही नहीं गया है। 12 बार दिए हैं आवेदन जनता दरबार में आने के लिए, लेकिन यहाँ से भी आज तक बुलावा नहीं गया है। हम लोग भटक रहे हैं। अपहरण करने वाला जो है वो अपहरण करके मेरा घर पे भी कब्जा कर लिया है। वो जदयू का नेता है, अब बहुत बड़ा शराब कारोबारी है, लगभग 10 केस उस पर है। नालंदा जिला में मोस्ट वांटेड है बंटी यादव, रामनंदन यादव, राजीव यादव, राम बाबू यादव, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल के दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है, जबकि आप नीतीश कुमार को भी आवेदन दिए, कई मंत्री से भी आप मिले हैं, इतना सारा आपके पास कागज है? वो जदयू का नेता है और जदयू के बड़े नेताओं से उसका मेल जोल है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मामला है पटना जिला, पटने से है, फुलवारी अंत। थाना उना में नहीं गए? कुछ नहीं हुआ? थाना में देते हैं, लेकिन पिता के हम लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं करता है थाना। आवेदन किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास? आवेदन लेके आए नहीं, अब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अप्लाई करेगा तब मुलाकात होगी। तो कहाँ से करना होगा तेरे? आप डीएम कार्यालय भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। डीएम से मिले थे? हाँ, डीएम क्या दरखास्त दिए थे। देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनके कई सारे मामले हैं, पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और हर किसी का अलग अलग मामला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातें करते हैं कि बिहार में जो भूमि से जुड़ा मामला है वो काफ़ी कम हो रहा है, लूट हट्टे अपराध की मामला कम हो रहा है, लेकिन कहीं भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि अधिकांश जो मामले बाहर आ रहे हैं वो केवल हत्या, लूट, अपराध, अपहरण और भूमि विवाद से जुड़े आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से बातें होती है, सुशासन की सरकार है बिहार में, उस तरीके की चीज़ें जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से कुछ देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या इन मामलों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये लोग इसी तरह भटकते रहेंगे। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।